हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फेसबुक के जो मल्टीपल अकाउंट बने हुए हैं, एक से ज़्यादा अकाउंट बने हुए हैं, तो उन्हें आप कैसे ओपन कर सकते हो अगर उनको पासवर्ड याद नहीं है आपको। तो बिना पासवर्ड के आज मैं आपको उस अकाउंट को खोल कर बताऊँगा जिस नंबर पर आपके अकाउंट बने हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो ताकि हमारा वीडियो आगे तक आगे पहुंच सके। तो यहां पर सबसे पहले आपको अपनी फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करना है, और ओपन करते ही यहां पर आपको तीन लाइन दिखाई देगी, यहां पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको लॉग आउट पर क्लिक करना है, नो लॉग आउट आउट, और यहां पर यस लॉग आउट सेंटर, तो यहां पर आपको नो लॉग आउट आउट नो पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां पर देख सकते हो आपका अकाउंट है यहां पर शो हो जाएगा। तो एक बार मैं इस अकाउंट को यहां से कर देता हूं रिमूव। अकाउंट को रिमूव करने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हो आपको फ़ोन और ईमेल पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर तो डालना ही होगा। अगर आपके अकाउंट मोबाइल नंबर पर बने हुए हैं तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। अगर आपका यहाँ पर ईमेल अकाउंट पर अकाउंट बने हैं तो यहाँ पर आपको ईमेल अकाउंट डालना है। तो मेरे यहाँ पर जो भी अकाउंट है वो यहाँ पर मोबाइल नंबर पर बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद इसमें क्या प्रोसेस करना है आगे वो मैं आपको बताऊँगा। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर वहाँ यहाँ पर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर देख सकते हो अगर आपको पासवर्ड याद हो तो यहाँ पर आप पासवर्ड डाल सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर पासवर्ड नहीं डालूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पर मान लो पासवर्ड याद नहीं है, लेकिन मेरे नंबर पर जितने भी अकाउंट बने हुए हैं वो सभी अकाउंट शो होने वाले हैं, और सभी अकाउंट को मैं आपको खोल कर बताऊँगा। तो यहाँ पर मैं फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको परमिशन मांगेगा एलो कर देनी है, नोट नाउ पर क्लिक करना है। नोट नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से कुछ लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जितने भी अकाउंट बने हुए हैं नंबर पर वो सभी अकाउंट यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर जो फर्स्ट वाला जो अकाउंट है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर पासवर्ड पूछ रहा है, तो मुझे यहाँ पर पासवर्ड याद नहीं है, तो यहाँ पर मैं गेट कोड पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपके अकाउंट पर यहाँ पर जो जीमेल अकाउंट है वो यहाँ पर कनेक्ट है, और यहाँ पर मोबाइल नंबर भी कनेक्ट है। तो आप अपना जो ओटीपी है वो यहाँ पर किस पर शेयर करना चाहते हो वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी शेयर करना चाहता हूँ, तो या और यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करते अब यहाँ पर आपको एक ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है। ओटीपी ऑटोमेटिकली यहाँ पर डल चुका है। अब यहाँ पर आपको अपना न्यू पासवर्ड इंटर करना है, तो मैं यहाँ पर अपना न्यू पासवर्ड इंटर कर लेता हूँ। पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हो रिमेंबर योर पासवर्ड, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से लोडिंग लेगा, और लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर खुलकर ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो अकाउंट है वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो अब मैं जैसे ही इस अकाउंट पर क्लिक करता हूँ, और हमने जो पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है, और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पर खुलकर ओपन हो चुका है। तो इस तरह से आप एक एक करके अपने फेसबुक अकाउंट को ओपन कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।